Okay, now we're doing a section on your personal lifestyle. To begin with, your major obsession of late raha hai weight loss trip, kafi saalon se. Aapne done. Ye mera gradual process raha hai kyunki बचपन से काफ़ी बेबी फैट था और बचपन से ही ऑब्सेशन रहा है. नॉट ओनली कि मैं जिस प्रोफेशन में हूँ बट नॉर्मली ऑल्सो आई फील अ पर्सन शुड बी फिट. एक अपने आप में ही सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाता है, एक अपने आप ही कपड़े अच्छे लगने लगते हैं सडनली सब, और बाकी चीज़ें भी अच्छी लगने लगती हैं. अच्छा, आप खाती क्या है? Read between the lines. You should have said Munacca, badaam. और संजू क्या बोलते हैं? Cut. वापस. Ready. हाँ जी. अब क्या आपका diet क्या होता है? What does your diet consist? मैं natural food में believe करती हूँ. Fried, मीठा, cold drinks, और मुझे तो कोई coke ad मिलेगा नहीं. Sorry. Cold drinks. ये सब चीज़ें अवॉइड करती हूँ जिसमें ज़्यादा तेल या घी हो. नेचुरल फूड ज़्यादा खाती हूँ जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, जूसेस, और उससे काफ़ी आपकी बॉडी और आपकी सिस्टम भी बहुत क्लीन रहती है. तो मैं सब नेचर और नेचुरल चीज़ों में बिलीव करती हूँ. हमने कहीं सुना था कि आप अपने ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन लगने के लिए, हमने सुना है कि आप अपने घर में अपने फ्रिज के पास से भी नहीं गुजरती हैं. किसने आपको कहा ये? I know about this. सर, मेरे रूम से मम्मी के रूम तक जाना फ्रिज क्रॉस करना ही पड़ता है. ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन हाँ, मैं जहाँ जनरली अवॉइड करती हूँ, जैसे कि अगर बहुत बढ़िया खाना बनाओ घर पे तो डाइनिंग टेबल पे जाना अवॉइड करती हूँ, क्योंकि फिर टेम्पटेशन तो हो ही जाती है. आखिर इंसान हूँ तो मन करता ही है, मन ललचाता ही है, और स्पेशली जब मम्मी खाना बनाती हैं तो टेबल पे तो बिल्कुल नहीं जाती मैं. क्योंकि फिर हाथ पहुंच ही जाता है खाने पर और परांठों पर और पालक पनीर पर और बिरयानी पर और खाने के लिए क्या है. अच्छा, एक बात बताइए, क्या आप अभी भी डिप्रेशन में तीखा खाती हैं जब आप अपसेट हो? नहीं, जब मैं अपसेट रहती हूँ तो मैं लोगों का दिमाग खाती हूँ. मैं तीखा या मीठा कुछ नहीं खाती. तब जो भी, जैसे कि अभी और आज, जैसे अभी मुझे बुखार है और आप मेरा इंटरव्यू ले रही हैं और आप सुबह सवेरे में मुझे देख रहे हैं. आप फ्रेश होंगे सर, लेकिन मुझे बहुत बुखार है और मैं शूटिंग कर रही हूँ. बॉम्बे में बहुत गर्मी है, मेरा मूड बहुत ख़राब है और इसलिए इतना लंबा इंटरव्यू. यू कांट डू दिस टू मी. एनीवे, क्या आप दूसरी औरतों की तरह ह्यूज शॉपिंग स्प्रीज पे जाती हैं? हाँ, स्पेशली जब मैं सोचती हूँ कि मैंने बहुत मेहनत कर ली और अब मुझे अपने आप को ट्रीट देना चाहिए, और पापा मम्मी अगर उस समय मेरे लिए कुछ नहीं लाए हों तो मैं जाके खुद अपने लिए शॉपिंग कर लेती हूँ. अच्छा, आपको गाड़ियों का बहुत शौक है. कौन सी गाड़ियाँ हैं आपकी? एक्चुअली मुझे गाड़ियों का, स्पेशली जब कॉलेज में थी और जब स्कूल से निकली थी तो बहुत, मेरे पास एक रेड स्पोर्ट्स का थी, मियाटा, और पर बॉम्बे का ट्रैफिक देखते हुए और बॉम्बे की सड़कें देखते हुए मैं एडवाइस करूंगी कि कोई बहुत बढ़िया गाड़ी ना खरीदे, क्योंकि बारिशों के बाद जो हमारी बॉम्बे की रोड होती है, वो रोड टैक्स कहाँ जाता है, किनके जेब में जाता है, वो मुझे पता नहीं, लेकिन इतने हालत ख़राब हो जाते हैं कि अच्छी गाड़ी रखना आज के ज़माने में बॉम्बे में मुश्किल है. ट्रैफिक इतना है, पॉल्यूशन इतना है और गड्ढे कुछ ज़्यादा ही बड़े हैं मिनिस्टर्स के पॉकेट्स के जितने, कभी भरते नहीं है. आपने आज तक ऑफ स्क्रीन कितने लोगों को मारा है गाड़ी से? आज तक कोई शहीद नहीं हुआ है. क्योंकि आप स्पीड कर ही नहीं सकते हैं बॉम्बे में, आप गाड़ी को 40 के ऊपर तक तो लेके ही नहीं जा सकते. या तो रास्ते में लोग बैठे होंगे जिनके घर रोड के ऊपर होंगे, तो आप कभी सोचते हैं कि मैं किसी मतलब मोहल्ले से गुजर रही हूँ क्या? एक ज़माने में ये रोड था. या तो वो प्रॉब्लम है या तो गड्ढे कुछ ज़्यादा ही बढ़े हैं. तो ऐसे लगता है कि हम चांद पे पहुँच गए हैं, इतने बड़े गड्ढे. चांद का कभी सरफेस देखा है किसने? नहीं देखा है, देख लीजिएगा एक बार. बॉम्बे के SV रोड पे जाइए. SV रोड तभी बेटर है, लिंकिंग रोड, वीरा देसाई रोड. सीरियसली, आई एम नॉट किडिंग यू, जस्ट कम फ्रॉम देयर ऑब्वियसली.
पवाई देख लीजिए, इतने बड़े बड़े ऐसे कनाल बने हुए हैं हमारे रिवर्स जो हैं, कनाल जिसे कहते हैं, वो बॉम्बे की सड़कों में हैं, पे भी नहीं, में है वहाँ पे. और मानसून में तो बोटिंग हो जाती है बॉम्बे में. मैं मुझे क्लियरली याद है, मैं एक राकेश श्रेष्ठा के फोटो सेशन पे गई थी जहाँ पूरे पानी भर गया था और राकेश ने अपनी बोट जो सी की बोट है वो निकाली थी और हम लोग ने उसमें फोटोज लिए थे. ये 1994 की बात है. रोड पे लिंकिंग उनके खार के रोड पे वो इतना 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 पानी था और हम लोग बोटिंग कर रहे थे बारिश में भीग के. तो गाड़ियों का शौक अपने आप ही खत्म हो गया. अब फास्ट गाड़ी और अच्छी गाड़ी लेने का मन नहीं करता. मेरे पास है पजेरो है, बड़ी ट्रक है, ट्रक चलाती हूँ. क्या आपको पेट्स का आज भी उतना ही शौक है जितना पहले था, जहाँ तक मैं जानती हूँ? पेट्स इज वन थिंग विच आई लव. और हमारे घर में डॉग्स हैं. मैंने पूरा रेंज एनिमल्स का पाला हुआ है. कछुआ पाल चुकी हूँ, सांप पाल चुकी हूँ, बंदर था हम लोग के पास, रैबिट्स रहे हैं, कुत्ते बिल्लियाँ तो ऑलवेज रेगुलर है हमारे घर में, अभी एक पैरट है. पर हाँ, बर्ड्स घर में रखना मैं अगेंस्ट हूँ. पंछियों को पिंजरे में नहीं रखना चाहिए, इसमें मैं बिलीव करती हूँ. लेकिन ये जो तोता हमारे पास है घर में, ये एक बच्चा गिर गया था और कौए उसको अटैक कर रहे थे, तो हमारा सर्वेंट जो था उसको बचा के ले आया. तो हमने उसको पाला है क्योंकि हमें मालूम था कि अगर हम उसको छोड़ देते वाइल्ड में तो वो मर जाता. और आज भी उसको हम लोग ने ट्राई किया उसको खोलना, लेकिन वो उड़ना नहीं चाहता, वो डर जाता है, अपने पंजरे से निकलता है. तो हम जानते हैं कि उसको हम फ्रीडम नहीं दे सकते. लेकिन हाँ, इतनी मेरी विनती है एज अ पेट लवर, एज एन एनिमल लवर, कि आप जो होम पेट्स हों वो आप रखिए, लेकिन जंगली जानवर हों और चिड़िया हो और बर्ड्स हों, इनको आप आज़ाद ही रहने दें तो अच्छा है. क्योंकि आप अगर चिड़िया या कुछ आप लोकल जो बेचते हैं उनसे ख़रीदेंगे तो उनको आप बिज़नेस दे रहे हैं, वो और जाके फॉरेस्ट से और चिड़ियों को कैद करके लाएंगे और बेचेंगे. तो आप वो इनकरेज ना करें, उनकी मदद ना करें और अपने बच्चों को भी ये सिखाएं. टू लास्ट क्वेश्चंस, ओके. आपने अपना नया घर लिया है, अपना खुद का, तो आपको कैसा महसूस होता है? और आपने हैव यू डन इट अप एंड व्हाट हैव यू पुट इन टू मेक दैट हाउस? अच्छा ही लगता है अपना खुद का एक घर बनाना. एक्चुअली हम लोग ने ये घर लिया था क्योंकि जो हमारा बंगला है, जो हेड क्वार्टर्स जिसे हम लोग कहते हैं, टनन हाउस वन, टनन हाउस को हम लोग पूरा रेनोवेट करा रहे हैं पूरा वापस, क्योंकि काफ़ी पुराना हो चुका था वो बंगला. और इसलिए हम लोग ने ये जगह उस समय ले ली थी कि अब हमारा पूरा परिवार इस घर में शिफ्ट हो गया, नए घर में, और काम उस घर में चल रहा है. जब वो मेन हमारा हेड क्वार्टर्स बन जाएगा, जिसे हम लोग हेड क्वार्टर्स बोलते हैं, हम लोग फिर सब उसमें शिफ्ट हो जाएंगे. लेकिन हाँ, ये घर मैंने एक्चुअली इन्वेस्टमेंट के दौर पे ख़रीदा था. लेकिन टाइम ऐसा आ गया जब हम लोग ने कहा चलो ये बंगला वापस बनाना पड़ेगा, तो हम सब यहाँ शिफ्ट कर जाते हैं. इसलिए फटाफट फिर मुझे बनाना पड़ा ये घर. लेकिन बहुत ही मज़ा आया, एक अपना क्रिएशन. अपनी जहाँ मैं जाती थी शोज़ के लिए या शूटिंग के लिए, वहाँ से मैं एक एक चीज़ उठा के लाती थी और एक एक कॉन्ट्रीब्यूशन है सबका घर में. और हाँ, बुक्स जो इंटीरियर डिज़ाइनिंग बुक्स हैं उसमें से एक एक कॉपी करके तो मैंने बनाया ही है. लेकिन अच्छा है, प्यारा सा छोटा सा घर है. और घर बेसिकली बनने से नहीं होता है, घर जो परिवार जिसमें रहती है उससे बनता है घर, मेरे हिसाब से. एक फर्नीचर के टुकड़े से नहीं बनता. रवीना, आप अब तक अपने आप को एक डाउन टू अर्थ normal happy human being कैसे, with all that success and everything that's happened? किसने बोला आपको? आपको बहुत गलत फहमी है. नहीं है, बिल्कुल नहीं है. I know you 6 years. I am tired. Then this last question, we're done. अब थक गई हूँ मैं. No, this is last question. बुखार चढ़ रहा है ना मुझे? I'm sure मेरे सवालों से ज़्यादा चढ़ गया होगा. हाँ जी, ready. How have you managed to stay and consist yourself as a person all these years that I have known you? ज़रूर कुछ changes तो हुए होंगे मेरे personality में. एक growth हुई होगी, एक कहीं ना कहीं negativity, कहीं ना कहीं positivity तो आती है सबके development में. Same तो रहता नहीं इंसान,
लेकिन हाँ इतना बता सकती हूँ कि एक फैमिली अपब्रिंगिंग, एक पेरेंट्स का जैसे कहते हैं एक सर पे हाथ होना बहुत ज़रूरी है, और उनकी आपके जो लोग अराउंड हैं उनकी अच्छाइयाँ लेना, और अपने आप में झांक के देखना कि, क्योंकि हर रात को जब मैं घर जाती हूँ मैं कहती हूँ अरे यार मैंने आज ऐसा क्यों बोल दिया, मेरे मुँह से क्यों निकल गया। नेक्स्ट डे ही चाहे वो जितना भी सीनियर हो या जितना भी जूनियर हो मेरे से इंसान, मैं फ़ोन करके एक सॉरी बोल ही देती हूँ, क्योंकि माँ बाप ने यही सिखाया है कि एक छोटी सी ज़िंदगी है, हंसी खुशी प्यार मोहब्बत में निकाल लो, गुजार लो, दुआएं मिलेंगी, कुछ किसी को हार्म नहीं पहुँचा, हार्म नहीं पहुँचाने से कुछ किसी का फ़ायदा नहीं है। एंड आई ऑलवेज बिलीव कि आप एक किसी से हंस के और एक स्माइल करके बात करने से आप कभी कुछ हार नहीं जाएंगे, अगर होगी तो इंसानियत की जीत ही होगी। Okay, now just say this to